अब मैं आपके लिए गरम प्याली चाय ले आता हूँ। रामू का मैं चाय नहीं पीता। तो क्या दूध पियेंगे? बाबूजी, 3 दिन गांव का दूध पियोगे तो तबीयत बन जाएगी, 4 दिन पियोगे तो चालाक बन जाओगे, 5 दिन पियोगे तो पहलवान लगोगे। अरे चुप, बकवास बंद कर। बाबूजी, ये मेरी बेटी है देवकी। अरे किरण बाबू को नमस्कार कर। ओ, नमस्ते। अच्छा बाबूजी, मैं चाय ले ही आता हूँ। अरे देवकी जी, अगर 1 महीना में आपकी भैंस का दूध पी लूं तो क्या होगा? होगा क्या, आपके घर वाले आपको पहचानेंगे नहीं। तब तो मुझे दूध नहीं पीना, बस खाना खा लूंगा। अरे ऐसा खाना खिलाऊंगी कि उंगलियों के साथ साथ बर्तन भी चाटते रहोगे। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला, मक्की दाल, चावल, सरसों का साग, मक्की की रोटी और गाजर का हलवा और रबड़ी। बस बस, और नाम ना ले, मेरे मुँह में पानी आ रहा है। क्यों, आपके घर में खाना कौन पकाता है? आपकी माँ? मेरी माँ नहीं है, मगर जिसकी बदौलत मैं इतना हट्टा कट्टा दिख रहा हूँ वो है मेरे बड़े भैया। मैंने भगवान को तो नहीं देखा, मगर मेरे लिए तो वही साक्षात भगवान है। और कौन कौन है घर में? मेरा छोटा भाई अमर। और खाइए ना बाबूजी। और खाऊंगा तो 4 दिन तक सोता रह जाऊंगा। तुम सब कुछ लाई हो मगर एक चीज भूल गई हो। वो क्या? हाजमे की गोली। अच्छा उसकी जरूरत यहाँ नहीं पड़ेगी, यहाँ का पानी इतना अच्छा है कि खाना खाते ही हजम हो जाता है। तुम्हारी बात तो सही है, मगर सब शहर वाले अगर गांव में रहने आ जाएं तो गांव भी शहर बन जाएगा। बाबूजी, आपको गांव अच्छा लगता है कि शहर? पहले तो शहर ही अच्छा लगता था, मगर अब तुम्हें देखने के बाद गांव ही अच्छा लगने लगा है। राका का इलाका। बस किरण बाबू, अंदर मत जाना वरना वो भूखे शेर की तरह टूट पड़ेगा। शेर कभी कुत्तों को चौकीदारी नहीं सौंपता। ये जमीन हमारी है, हाथ उठाने से पहले ये सोच लो कहीं तुम्हारे हाथ टूट ना जाए। और हम कहीं भी डाल देते हैं डाका। बबुआ, ये है हमारा इलाका। बुढ़ा चला, अपने इलाके में तो कुत्ता भी शेर होता है। कुत्ते? हमका कुत्ता कहा? अब कुत्ता कह दिया तो काट के तो दिखाएंगे। ले चलो इसे। बुड्ढे, हमरा जेल से आने से पहले मर मत जाना। हमरा नाम है राका, तेरी घर जरूर डालेगा डाका। चलो, कौन सा जेल है ये टाइम? हे भगवान, कब आएगी बाबू को अकल? आधी आधी रात तक दारू के अड्डे पे बैठे रहते हैं।
लो आ गए। तुम लोग? हम लोग। कौन है तुम? तुम्हारे बाप का दामाद और तुम्हारा एक रात का पति। मेरी जान वाह, इसे तो तूने अपने पीछे छुपा लिया, अब खुद किसके पीछे छुपेगा? अरे काय को भेजा घुमाता यार, तू उसको देख ले, मैं इसे देख लेता हूं। तुम चार हो और तुम चारों की कब्र एक ही होगी, वो भी कब्रिस्तान से दूर, यहां इसी जगह, क्योंकि कब्रिस्तान में सिर्फ शरीफ लोग दफन होते हैं। ये रही आपकी देवकी। बेटी देवकी, मुझे क्षमा कर दे बेटी, बस एक बार और क्षमा कर दे, न जाने आंखों पर कैसी पट्टी बन गई, मैं तो पागल हो। किरण बाबू, मैं आपके इस एहसान का बदला सारी जिंदगी नहीं चुका सकता, ये सब इस मनु शराब की वजह से हुआ है। मैं अपनी बेटी की सौगंध खा के कहता हूं कि आज के बाद इस गंदी चीज को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। सच बापू? हाँ बेटी। बापू, मैं तेरी सौगंध खा के कहता हूं बेटी, कभी मैं इसे हाथ नहीं लगाऊंगा, कभी इसे हाथ नहीं लगाऊंगा। चल घर चल, चल आ जा आ जा। इमीजिएटली ये आंसू नहीं, तेरे आंखों के मोती हैं। अरे पगली, ऐसा थोड़ी ना करते हैं, दो चार दिनों की बात है, मैं यूं गया और यूं आया, और अगर तुम नहीं आए तो क्या तुम्हें अपने प्यार पे विश्वास नहीं?
प्यार भी तो है लेकिन जमाने पर विश्वास नहीं है किरण। हम जमाने से नहीं, जमाना हमसे है जानू। तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी और मेरी ही रहोगी। जानकी दास जी, अब मुझे कोई बात नहीं सुननी। आपकी बेटी हमारी हो गई, इसके आगे कुछ मत बोलिए। बोलने बुलाने के लिए रह ही क्या गया है? आपने तो मेरे सर का बोझ हल्का कर दिया। देखिए, बेटी को कभी बोझ नहीं कहा जाता, वो तो लक्ष्मी होती है, लक्ष्मी। और फिर अब तो हमारे घर की गृहलक्ष्मी है। वाह, सिर्फ गृहलक्ष्मी नहीं भैया, हमारी भाभी कही है भाभी। और अब भाभी को जल्दी से घर ले आइए। अरे दूल्हे राजा को तो घर आने दे भैया। भैया, अरे गले लग। कैसा छोटे? ए किरण, चल पाओ छुईया। जीते रहो बेटा। अच्छा जी, अब मैं चलता हूं। अच्छा जी, चलिए मैं छोड़ के आता हूं। कैसा तू? मैं तो बढ़िया हूं। पहले ये बताओ कि मेरे लिए गांव से क्या लेके आया? मैं तेरे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लाया हूं, और जो खुशखबरी मैं तुझे सुनाना चाहता हूं वो ये है। ठहरो ठहरो ठहरो, पहले मैं अपनी खुशखबरी सुनाऊंगा। छोटे, पहले मैं सुनाऊंगा। मैं छोटा हूं इसलिए पहले मैं सुनाऊंगा। मैं सुनाऊंगा, पहले मैं सुनाऊंगा, मैं सुनाऊंगा, मैं सुनाऊंगा, मैं सुनाऊंगा, मैं सुनाऊंगा। ये क्या हो रहा है? खबर मैं सुनाऊंगा। ठीक है भैया, मैं बड़ा हूं। ओ, तू बड़े अच्छे मौके पे आया। ये सज्जन जो भी गए हैं ना, इनका नाम है जानकी दास। इनकी बेटी के साथ तेरा रिश्ता पक्का कर लिया है। क्या तुम चुप क्यों करण भैया? क्या हो रहे? इनकी बेटी का नाम है यशोधा, साक्षात लक्ष्मी है, लक्ष्मी। लगता है किरण भैया नाराज हो गए। हाँ, मैं नाराज नहीं हूं भैया, लेकिन इतनी जल्दी क्या है? अरे जल्दी मुझे है ना भाई, बरसों हो गए इस घर को बहू का मुंह देखे हुए और हमें नाचे हुए। भैया, अगर मैं शादी से इनकार कर दूं तो? क्या तू शादी से इनकार करेगा? तुझमें इतनी हिम्मत आ गई? एक बात कान खोल कर सुन ले किरण, इस रिश्ते को मां ने तय किया था और मैंने जानकी दासी को वचन दे दिया है, इस घर में मां की बात को कोई नहीं डाल सकता। अगर तूने इस शादी से आनाकानी करने की कोशिश की तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। भैया बात तो सुन लीजिए। मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। तुम्हें अपने प्यार पर विश्वास नहीं? प्यार पे तो है लेकिन जमाने पर विश्वास नहीं है किरण। हम जमाने से नहीं, जमाना हमसे है जानू। अगर तूने इस शादी से आनाकानी करने की कोशिश की तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। भैया मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। घर में मां की बात को कोई नहीं डाल सकता। अगर तूने इस शादी से आनाकानी करने की कोशिश की तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। अगर तूने इस शादी से आनाकानी करने की कोशिश की तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। मुझे माफ कर दो भैया, मैंने आपका दिल दुखाया है। मैं शादी करने के लिए तैयार हूं। सच? हां भैया, मुझे मालूम था तू मां की बात कभी नहीं डालेगा।
दुनिया का हर सुख तुम्हें नसीब हो। चल पहुंचो। भाभी मैं आपका इकलौता देवर हूं, मेरा नाम अमर है। शादी के लिए पहले तो भैया हाना कर रहे थे, लेकिन आपको देख के लगता है कि अब आपके आंचल से छुटना जरा मुश्किल है। क्यों पड़े भैया? चल पकड़ से आइए। ऐसे नहीं भाऊ, अब आबाद रहो। मां, किरण की शादी हो गई है। तूने जो चाहा वही दुल्हन लाया। इन्हें आशीर्वाद दे। दोनों जी सदा खुश रहें। बुड्ढे हमने कहा था ना, नाम है हमरा राका, अब हम आ रहे हैं डालने डाका।